तो वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गलती से फरीदाबाद में मास्टर प्लान 2031 का स्वरूप बिगड़ता दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट के अनुसार फरीदाबाद को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले ग्रीन हाईवे की अलाइनमेंट ठीक नहीं की गई है। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार बसाए जाने वाले 7 सेक्टरों के बीच से ग्रीन हाईवे को बनाने की वजह से 7 सेक्टर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। एनएचएआई के अधिकारियों की इस गलती को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी स्वीकारा है। उनका कहना है कि एनएचएआई के अधिकारियों ने ग्रीन हाईवे की अलाइनमेंट करते वक्त प्लानिंग डिपार्टमेंट से कोई संपर्क नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी गलती की है। यदि ग्रीन हाईवे इन सेक्टरों के बीच से निकलता है तो आने वाले समय में लोगों के लिए बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि हाईवे के बनने के बाद सेक्टरों को आपस में जोड़ने के लिए अंडरपास बनाना मुश्किल और जटिल काम होगा। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए एनएचएआई को 2024 तक ग्रीन हाईवे बनाना है, जो करीब 30 किलोमीटर लंबा है। बिल्कुल सही है, ये एनएचआई की बहुत बड़ी चूक है। ये पहली बार नहीं, इस तरह की चूक इन्होंने दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे में भी की है। सेक्टर को दो भागों में बांट दिया, कल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, और उस समय अंडरपास निकालना बहुत बड़ी काम होगा। ऐसे ही इन्होंने जो नया मास्टर प्लान है 2031 का, इसमें इसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, तो उसके लिए कहा है उसको ठीक करें, वरना तो आगे आने वाले समय में दिक्कत होगी। और ये इनकी चूक है, इनको उससे पहले अलाइनमेंट करने से पहले टाउन कंट्री प्लानिंग से बात करनी चाहिए थी कि आपका जो मास्टर प्लान है वो किस तरह से, ये चूक हुई है उनसे, इसे सही करने के लिए बोला गया। बिल्कुल।